यहाँ पर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं एमए फर्स्ट में, ठीक है, एमए फर्स्ट के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। मैं शीला लावत आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स करवाऊंगी। यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे पहले हम नेशनल इनकम के बारे में जानेंगे। जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम का मतलब होता कि एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, एक इकोनॉमी के अंदर कितना गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की गई, उन प्रोड्यूस करके उन गुड्स और सर्विसेज को कितनी इनकम आई, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज को जो प्रोड्यूस की गई उनको सेल करने के बावजूद, यानी कि उनको वैल्यू में कन्वर्ट करने के बावजूद टोटल कितना आया, तो उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। यानी कि नेशनल इनकम इज द टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू का वही मतलब होता है ना कि जब आपने गुड्स और सर्विसेज को पैसे में कन्वर्ट कर दिया, टोटल वैल्यू ए कंट्री फाइनल आउटपुट ऑफ ऑल न्यू गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए वन ईयर। यानी कि एक साल, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो भी आपने गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया है, उन गुड्स और सर्विसेज के बेचने के बावजूद टोटल इनकम कितनी हुई। जो नेशनल इनकम है उसको मेजर करने के तीन तरीके, एक ग्रोस वैल्यू एडिशन है, एक इनकम मेथड है, एक एक्सपेंडिचर मेथड है। जो ग्रोस वैल्यू एडिशन होता है ये इसको बोलते हैं जीवीए, ठीक है ना, ग्रोस वैल्यू एडिशन। ग्रोस वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है इसके अंदर, देखो आप इसकी सिंपल यहाँ पर मैं आपको मीनिंग बताऊंगी कि जो ग्रोस वैल्यू एडिशन वो क्या होता है। ग्रोस वैल्यू एडिशन का ये मतलब होता है कि मान लिया कि आपने कहीं से लकड़ी ली, ठीक है, जब आपने लकड़ी ली तो वो आपने मान लिया कि 500 रुपए की पड़ी, और जैसे ही आपने वो उस लकड़ी से चेयर को बनाया और चेयर बनाने के बावजूद वो जो चेयर है आपने 1200 रुपए में सेल की, यानी कि 1200 में आपने सेल की, और जो लकड़ी जब आपने परचेज की थी तो वो आपने 500 की ली थी। तो जो 1200 माइनस अगर 500 करोगे तो 700 रुपए जो होगा वो ग्रोस वैल्यू एडिशन होगा। इसके बाद अगर वो आपने चेयर एक तरीके से उसका चेयर का प्रोडक्शन किया, चेयर आपने बनाई है, अगर उस चेयर को आप शोरूम पर बेचने के लिए भेजते हो और वहां पर शोरूम पर भेजने के बावजूद वहां पर अगर वो 1500 रुपए की बिकती है तो आपने उनको कितने का दिया, 1200 का, क्योंकि 1500 में से माइनस करोगे 1200 कितना हुआ, 300। और यहां से जब आपने देखा कि वो लकड़ी ली आपने 500 रुपए की, उसे चेयर बनाकर जब आपने शोरूम वाले को बेची, वो बेची 1500 रुपए की, 1200 रुपए की, तो जो 1200 में से आपने 500 माइनस किया तो 700, और उधर से जब वो उसने 1500 में बेची तो 1500 में से आप 1200 माइनस करोगे तो 300। जो टोटल वैल्यू एडिशन हुआ वो कितने का हुआ, 700 प्लस 300, यहाँ पर ये ग्रोस वैल्यू एडिशन हो जाएगा। इनकम मेथड के थ्रू जब हम नेशनल इनकम को निकालते तो इनकम मेथड का क्या मतलब होता है, देखो इनकम का मतलब होता है जब आपने कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस करते हो तो उस गुड्स के प्रोडक्शन के लिए आपने लेबर, कैपिटल, लैंड, लेबर कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारी चीजें आप यूज करते हो। जब आप लेबर जो यूज करते हो उसको क्या देते हो, वेजेस देते हो, कैपिटल के ऊपर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हो, और जो लैंड है उसके ऊपर आप रेंट देते हो, और जो एक तरीके से एंटरप्रेन्योर जो उसका खुद मालिक है उसके पास क्या बचता, प्रॉफिट। वो कहते हैं कि अगर हम इन सब को जोड़ दे तो एक इस तरीके से है जो कि हम नेशनल इनकम को निकाल सकते हैं। फिर थर्ड है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड क्या, एक्सपेंडिचर मेथड का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट जो खर्चा करती है, जो इन्वेस्टर, जो कंज्यूमर जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं, अगर उनके टोटल एक्सपेंडिचर जोड़ लिया जाए तो ये एक्सपेंडिचर मेथड कहलाता है। यहां पर आप देखोगे कि चाहे आप ग्रोस वैल्यू एडिशन से निकालो, चाहे इनकम से निकालो, चाहे एक्सपेंडिचर मेथड से निकालो, किसी भी मेथड से जब आप इसको निकालोगे नेशनल इनकम को, तो तीनों से जो आएगी ना एक तरीके से वो एक जैसी इनकम निकल कर आएगी, ठीक है ना। वो जो इनकम होगी वो आइडेंटिकल होगी, ठीक है। एक होता बेटा इक्वलिटी, एक होता साइन आइडेंटिकल का। ये हमारा आइडेंटिकल होता है, ये हमारा इक्वलिटी का साइन होता है। जो इक्वलिटी का मतलब होता है कि ये किसी कंडीशन के ऊपर बेस्ड है। मान लिया कि हमने यहाँ पर 8 लिखते, 8 लिखने के बावजूद यहाँ पर कोई 2 लिखा हुआ है, और यहाँ पर हमने देख लिया कि इस तरीके से x की, यहाँ पर कोई x की x लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ पर जो 8 की वैल्यू निकल कर आई वो इस कंडीशन के आधार पर आई है कि x की जगह है, अगर मान लो कि आप 2 लिखते तो 3 क्या हो जाता, 6 हो जाता, 3 इंटू 2 तो 6 हो जाता, और प्लस 2 8 हो जाता। तो यानी कि इस x की वैल्यू के आधार पर ये वैल्यू निकल कर आई है। तो इसका मतलब क्या है, जब भी आप इक्वलिटी की बात करते हो तो इक्वलिटी का मतलब होता है जब कोई कंडीशन हो, कंडीशन के आधार पर,
लेकिन जब आइडेंटिकल की आप बात करते हैं तो आइडेंटिकल का मतलब होता है कि विदाउट कंडीशन। तो यहां से जब आप नेशनल इनकम निकालोगे तो तीनों तरीके से अगर आप नेशनल इनकम निकालोगे तो वो आइडेंटिकल आएगी। आइडेंटिकल का मतलब विदाउट कंडीशन। विदाउट कंडीशन का क्या मतलब है, मान लिया कि दो मतलब दो भाई बहन हैं कि जो ट्विंस हैं, दो बच्चे हैं जो एक साथ पैदा हुए, जुड़वा हैं दोनों के दोनों। अब वो जुड़वा हैं और एक जैसे एक्टिविटी करते हैं, बिल्कुल सेम उनका जो आईक्यू लेवल है सेम है, जो भी काम करते हैं वो एक जैसा करते हैं। तो कंडीशन पर आधारित नहीं है कि वो एक जुड़वा पैदा हुए हैं यानी कि दोनों ट्विंस है इसलिए वो मतलब इस तरीके की एक्टिविटी करते, नहीं, वो तो एक तरीके से बाई चांस हो गया। तो इसका मतलब भी आइडेंटिकल का मतलब बिना कंडीशन के। तो इनसे जब आप इससे नेशनल इनकम निकालोगे, चाहे इस मेथड से निकालो, चाहे इस मेथड से निकालो, तो चाहे इस मेथड से निकालो, किसी भी मेथड से आप निकालोगे तो जो आपकी इनकम आएगी नेशनल इनकम वो आएगी आइडेंटिकल। यहां पर मैं आपको कुछ टर्म बताती हूँ जो आपने मतलब एक तरीके से अंडरस्टैंड करनी है। टिपिकल नहीं है लेकिन कुछ बच्चों को ये बहुत ज्यादा टिपिकल भी लगती है। देखो सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है ये ग्रोस डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब होगा अपनी कंट्री के अंदर जो भी आउटपुट होगा, ग्रोस का मतलब होगा कि एक भी इसके अंदर डेप्रिशिएशन हमने माइनस नहीं किया। तो जीडीपी की जब हम बात करते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन का, तो हम देखते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर विद इन कंट्री, ठीक है ना, एक ईयर के अंदर यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितना गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है ना, विद इन कंट्री यानी कि कंट्री के बाउंड्री के अंदर। इसके अंदर क्या हो सकता है कि जो बाहर के जो फैक्टर है वो भी हो सकता है कि काम कर रहे हो। तो इसके अंदर जो हमारे जो कुछ फैक्टर हैं जो बाहर गए हुए हैं यानी कि जो बाहर काम करते हैं और इधर अपना जो है पैसा भेजते हैं, तो उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे जो हमारी कंट्री के बाहर गए। लेकिन जो हमारी कंट्री के अंदर जो टोटल हम भी और जो कुछ बाहर के जो फैक्टर यहाँ पर काम करते हैं उनकी भी इनकम को इंक्लूड कर लेंगे तो हमारी जीडीपी कहलाएगी। जब आप बात करते हैं जीएनपी यानी कि नेशनल की बात करते हैं, ग्रोस, ये जो जीडीपी होता है बेटा इसको बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। एक होता जीएनपी, इसको हम बोलते हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन। एक होता है यहां पर एनएनपी, ये होता है नेट नेशनल प्रोडक्शन। जीडीपी का मैंने आपको बताया कि इंडिया है, इंडिया के अंदर जब चाहे कोई बाहर का व्यक्ति काम करता है यानी कि कोई भी अगर बाहर का कोई फैक्टर यहाँ पर काम कर रहा है, चाहे तुम काम करते हो यानी कि प्लस दोनों को, इंडिया प्लस अगर मतलब मान लो कि एक्सटर्नल कोई फैक्टर यहाँ पर काम करता है, तो दोनों के अगर हम प्रोडक्शन को जोड़ देंगे तो वो हमारा एक तरीके से जीडीपी कहलाएगा। जब नेशनल की बात करते हैं नेशनल प्रोडक्शन की, तो यहाँ के कुछ फैक्टर बाहर गए हुए हैं, हमारी कंट्री के अंदर कुछ फैक्टर बाहर से आए हुए हैं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस निकालते हैं उसको हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो ये जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है यहां पर फिर हम इसके अंदर इसको प्लस कर देते हैं। तीसरी बात है कि एन यानी कि नेट निकालना, नेट नेशनल प्रोडक्शन। तो इसका मतलब होता है कि जो आपका ये निकल कर आया है नेशनल इनकम जो निकल कर आई है, अगर उस नेशनल इनकम में से हम डेप्रिशिएशन और माइनस कर दें तो वो होता हमारा एक तरीके से नेट नेशनल प्रोडक्शन। देखो डेप्रिशिएशन होता है, डेप्रिशिएशन का आप मीनिंग देखो, डेप्रिशिएशन का मतलब होता है जो भी मतलब जैसे आप यूज करते हो बाइक का, यूज करते हो गाड़ी का, यूज करते हो, तो जो बाइक और गाड़ी का आप यूज कर रहे हो तो यूज करने के दौरान जो उसके अंदर जो डेप्रिशिएट करते हो यानी कि कॉन्स्टेंट रेट से जो डेप्रिशिएशन होता है वो कॉन्स्टेंट रेट से होता है। कॉन्स्टेंट रेट का क्या मतलब है, जब आप बाइक चलाते हो तो ये तो नहीं है कि मतलब आपकी अगर आपने एक 10 किलोमीटर बाइक चलाई है तो उसकी जो एक तरीके से डिग्रेड होने की जो एक सिस्टम है वो ज्यादा होगा और नेक्स्ट आप 10 किलोमीटर चला रहे हो तो उसमें कम होगा, नहीं। वो जो डेप्रिशिएट करती है वो एक तरीके से आप देखते हो कि कॉन्स्टेंट रेट से होता। जैसे आपने गाड़ी ली और गाड़ी लेते हैं आपने देखा कि वो कहीं पर ठोक दी जानबूझ कर या मतलब कहीं पर भी, वो डेप्रिशिएशन नहीं कहलाता। डेप्रिशिएशन होता जब उसको कंजम्पशन करने के कारण, को कंज्यूम करने के कारण जो एक तरीके से जो उसकी वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाए। जब आप देखते हो ना कि जब भी कोई आप नई कोई भी चीज लेते हो, गाड़ी ली बाइक ली, जब आप उसको नेक्स्ट ईयर सेल करते हो तो वो जितने की आपने ली है उतने की नहीं जाती, क्योंकि आपने जितना उसका कंजम्पशन किया इतनी उसकी वैल्यू
कम हो जाएगी। तो होता है डेप्रिशिएशन। यहाँ पर हम इसको निकाल कर देखते हैं। हाँ, इसमें इसे इन तीनों के बावजूद हम देखेंगे, एक होता है फैक्टर कॉस्ट, एक होता है मार्केट प्राइस, एक होता है फैक्टर कॉस्ट, एक होता है मार्केट प्राइस। जिस फैक्टर कॉस्ट की आप बात करते हैं ना, फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि जहां पर किसी भी चीज को प्रोड्यूस किया गया है, वहां पर जब जिस चीज को हम प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोडक्शन करने के दौरान जो जो उसकी कॉस्ट आएगी, जो भी आपने लैंड का यूज किया, लेबर का यूज किया, कैपिटल का यूज किया, जो एंटरप्रेन्योर ने अपना प्रॉफिट रखा, वो यहाँ पर उस कॉस्ट को एक तरीके से निकाल देंगे। तो यहाँ पर जो एक ऐड किया जाता है, जब फैक्टर कॉस्ट निकालते हो, तो इसके अंदर सब्सिडी को तो हम ऐड करते हैं, सब्सिडी यहाँ पर ऐड होती है, और जो एक तरीके से जो टैक्स होता है उसको माइनस करते हैं, क्योंकि अभी जब वो वहीं पर है जहां पर उसको बनाया गया, तो वहां पर सब्सिडी क्या, सब्सिडी क्या होती है, सब्सिडी क्या होती है, गवर्नमेंट मान लिया कि आप कोई भी कॉपी पेन बनाने की आपने एक फैक्ट्री लगा रखी है कॉपी बनाने की, और कॉपी की जो कॉस्ट आती है वो मान लिया कि आपकी 5 रुपए पर यूनिट आती है, इनकी पर कॉपी जो कॉस्ट आती है वो 5 रुपए आती है। अब आप क्या करोगे, जो वो 5 रुपए पर यूनिट आती है, गवर्नमेंट आपको एक कॉपी एक यूनिट के हिसाब से या एक कॉपी के हिसाब से 1 रुपया सब्सिडी देती है, तो आप क्या करोगे, जब अपनी कॉस्ट निकालोगे तो उसको ऐड कर लोगे, ठीक है ना, कि मुझे इतनी सब्सिडी मिली है और टोटल कॉस्ट मेरी इतनी आई है, तो उसका ऐड कर लोगे एक तरीके से। तो ये सब्सिडी जो होता है, जब फैक्टर कॉस्ट की बात होती है, सब्सिडी को प्लस करते हैं, टैक्स को माइनस करते हैं। मार्केट प्राइस के अंदर क्या होता है कि उस चीज को आप मार्केट में सेल करने के लिए गए हो, जब ये मार्केट के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर टैक्स को तो प्लस किया जाता है और सब्सिडी को यहाँ पर माइनस किया जाता है। ये सारी चीजें आप याद रखोगे तभी जाकर इन फार्मूलाज को आप एक तरीके से लर्न कर पाओगे या अंडरस्टैंड कर पाओगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि GDP एट ए मार्केट प्राइस, GDP एट ए मार्केट प्राइस, ये आपने क्या करना है, निकालना है। आपको दिया हुआ है GNP एट ए मार्केट प्राइस आपको निकालना है, और आपको दिया हुआ है GDP एट ए मार्केट प्राइस ही लिख लेते पहले हम मार्केट प्राइस। तो देखो यहां जब हमें D से N पर जाना है, तो नेशनल निकालना है ना, D से N पर जाओगे तो यहां पर आप प्लस कर दोगे, ओनली जो चेंज होगा, क्योंकि मार्केट प्राइस है मार्केट प्राइस है, जी है जी है, ये चेंज नहीं होंगे, तो एक ही चीज चेंज होगी। तो यहां पर सिर्फ GDP के अंदर अगर आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को अगर प्लस कर देते हो, तो आपकी GNP ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन निकलेगा एट ए मार्केट प्राइस। अगर यहां पर आप बोलो कि GNP एट ए मार्केट प्राइस, और यहां पर आपको गिवन है, ये आपने फाइंड आउट करना है, इधर दिया हुआ आपको GDP एट ए फैक्टर कॉस्ट। अब देखो कि आपको एक तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाना है, दूसरा D से N पर जाना है। D से N पर जाने के लिए तो आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को प्लस कर दोगे, इनके जो डिफरेंस है कि कुछ फैक्टर आपके बाहर गए हुए हैं, कुछ फैक्टर बाहर के यहाँ आए हुए हैं, तो वो कितना अर्न करके लेकर गए, हम कितना अर्न कर, उसका जो डिफरेंस है, ये जो माइनस प्लस है ये डिपेंड करेगा, ये लगता है तो प्लस में है फॉर्मूला तो, लेकिन जब आपकी आप जो अर्निंग करके लाए हो वो ज्यादा लेकर आए तो प्लस ही रहेगा, अगर कम अर्निंग लेकर आए हो वो ज्यादा लेकर गए तो माइनस हो जाएगा। तो ये करेंगे GNP एट ए मार्केट प्राइस, GDP एट ए फैक्टर कॉस्ट। अब आपने क्या करना, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस पर जाना, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इसको जोड़ दो, एन निकालना डी से, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ये प्लस हो जाएगा। अब आपने मार्केट प्राइस निकालना, और मैंने आपको बताया कि जब भी मार्केट प्राइस निकालते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, टैक्स को प्लस किया जाता है और सब्सिडी को माइनस किया जाता है। तो यहां पर आप कर दोगे कि टैक्स, क्योंकि चीज मार्केट में बिकने के लिए आ चुकी है, और सब्सिडी को आप माइनस कर दोगे। दूसरी बात है कि अगर यहां पर आपको बोला जाए कि GNP एट ए फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट, तो यहां पर आपको GDP एट ए मार्केट प्राइस, अब मार्केट प्राइस से आपको फैक्टर कॉस्ट पर जाना है, तो मार्केट प्राइस से जब आप फैक्टर कॉस्ट पर जाओगे तो वही रहेगा, एन निकालना है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को आप प्लस करोगे। दूसरा क्या करोगे, अब आप टैक्स, आप देखो फैक्टर कॉस्ट पर निकालना, तो टैक्स माइनस हो जाएगा और सब्सिडी प्लस हो जाएगी, सब्सिडी को आप प्लस कर दोगे और टैक्स को आप माइनस कर दोगे। इसके बाद अगर यहां पर आपको वो पूछे कि हमने यहां पर निकालना NNP,
एन एन पी एट ए फैक्टर कॉस्ट, यहाँ पर कुछ भी दिया हो इसके आधार पर ही आप सब्सिडी और टैक्स वो कर दोगे। एन एन पी एट ए फैक्टर कॉस्ट अगर आपने निकालना तो यहाँ पर देखो जी डी पी एट ए मार्केट प्राइस, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप देखोगे कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को आप प्लस कर दोगे। अब आप देखो कि एन है नेट निकालना, तो जब भी नेट की बात आएगी तो नेट का मतलब है कि जो भी मशीनें जो डेप्रिशिएट हुई हैं उनके घटाने के बावजूद इनकी जो डेप्रिशिएशन है उसको यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, तो डेप्रिशिएशन माइनस कर दिया जाएगा। फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट के अंदर क्या होगा, सब्सिडी को प्लस कर दिया जाएगा और टैक्स जो है उसको माइनस कर दिया जाएगा। तो ये फॉर्मूलाज हैं जो आपने लर्न करने हैं कि जीएनपी एट ए मार्केट प्राइस, जीएनपी एट ए मार्केट प्राइस, और दूसरा क्या है कि जीएनपी एट ए फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट ए फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पर आप दूसरे और भी मतलब इनसे निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पर हमने ये देखा कि जीएनपी जीडीपी, तो यहाँ पर अगर तुमसे पूछा जाए कि हमें जीडीपी निकालना है निकालना है ये वाला जीडीपी, ठीक है ना, तो करें कि जब जीडीपी आपने निकालना तो इधर क्या होगा, मान लिया जाए कि आपको जीडीपी निकालना और यहां पर आपको दिया है जी से, आपको मान लिया जाए कि यहां पर आपको दिया है एक तरीके से जीएनपी। अब देखो एन से जब आप डी पर जाओगे तो सीधा याद रखना कि जब एन से डी नेट से डोमेस्टिक पर जाओगे तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को प्लस करोगे। अगर आप यहां पर मान लिया कि एन लिखा हुआ है ग्रोस से नेट पर जाना, तो यहां पर आप डेप्रिशिएशन माइनस करोगे, ये चीजें आपने याद रखनी। दूसरी बात है कि अगर आपने फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, अगर आपने फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर यानी कि फैक्टर कॉस्ट अगर आपने फाइंड आउट करनी है तो यहां पर सब्सिडी आप प्लस करोगे, दूसरा क्या है टैक्स को आप माइनस करोगे। उल्टा है कि यदि यहां पर मार्केट प्राइस दिया हुआ है और यहां पर फैक्टर कॉस्ट और आपने निकालना है मार्केट प्राइस, तो आप सब्सिडी को माइनस कर दोगे और टैक्स को प्लस कर दोगे, ठीक है। चलो थैंक यू।